आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में खेला जा रहा है, पाकिस्तानी टीम की इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस ख़राब रही। हर पाकिस्तानी को दुख था, तकलीफ़ थी। ये एक भाई हैं, उन्होंने ना फॉरवर्ड मैसेज आगे शेयर किया जिसमें ये लिखा है कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ख़त्म किया जाए जो कि कौमी खजाने पर हर माह करोड़ रुपए का इजाफी बोझ है। पाकिस्तान में क्रिकेट जैसे नासूर मर्ज को पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। जितना हो सके शेयर करें ताकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान तक पहुंच जाए। तो मैंने फिर उनको आगे से कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक आज़ाद कंपनी या इदारा है, यह हुकूमत से किसी किस्म के कोई फंड्स नहीं लेता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सालाना फंड्स देती है। मैंने मज़ीद कहा कि इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट की सरगर्मी पाकिस्तान सुपर लीग करवाता है और पैसा बनाता है। इस तरह स्पॉन्सर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़ज़ाना भरते हैं। मैंने मज़ीद कहा कि इस तरह बेशुमार तरीक़ों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आता है। प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आता है। प्लेयर्स को भारी भरकम मुआवजे देना गलत नहीं है, क्योंकि अगर इनको भारी भरकम मुआवजे नहीं मिलेंगे ये करप्शन, मैच फिक्सिंग, जुए की तरफ जाएंगे, खुद भी गंदे होंगे और पाकिस्तान को भी बदनाम करेंगे। आपको याद है ना कि 90s, लेट 90s में क्या हुआ था? तो सदर ममलिकत के पास बैठ के कहा गया था कि आप मैच हार जाएं तो हम आपको पैसे देंगे, और वो वाला मैच ऑस्ट्रेलिया ने फिर 1 विकेट से जीत लिया था। मैंने फिर उनको एक और मैसेज किया, एक और चीज़, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया भर के खिलाड़ी भारी भरकम मुआवजे लेते हैं। मैंने कहा कि मसला ये है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह क्रिकेट को पसंद करने वाला होता है, क्रिकेट के मामलों को समझने वाला नहीं होता। ज़का अशरफ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनने से पहले पाकिस्तान में शुगर मिल के मामला देख रहे थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो यही काम सर अंजाम दे रहे थे। इसी तरह नजम सेठी सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, वो ज़का अशरफ से पहले क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। नजम सेठी की बात करें तो वो सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, उनके करीब तरीन ताल्लुकात हैं नून लीग के साथ है। वो टीवी पर शो करते थे पहले मुनीब के साथ, मेरे हम नाम के साथ, मुनीब फारूक के साथ है। मैंने उनके काफ़ी शोज़ देखे हैं मुनीब फारूक के और नजम सेठी के। आपस की बात मुनीब फारूक के साथ है। तो नजम सेठी की जो बेगम हैं उनका नाम है जुगनू मोहसिन। वो पहले आज़ाद उम्मीदवार थीं, जब हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब बनना था फिर वो नो लीग में शामिल हो गईं। अच्छा, मैंने फिर ये कहा कि क्या ये दोनों चेयरमैन बैटिंग, बॉलिंग, पिचेस, अंपायर्स, आउटफील्ड, विकेट कीपर और दूसरे क्रिकेट के मामलों को गहराई से समझते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि आप मुझे खुद बताएं ये क्रिकेट बोर्ड को मज़ीद तरक्की कैसे देंगे। मैंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलता, हमारे प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते, कॉमन नॉलेज है। वैसे क्रिकेट से मुतालिक कॉमन नॉलेज नजम सेठी और ज़का अशरफ के पास भी लाजमी होगा।